और ये राधा है कौन थी? जब आप ब्रह्मवर्त पुराण को उठा करके पढ़ेंगे, ये वृषभान की कन्या थी रायण नाम के व्यक्ति से, जो यशोदा का भाई था, उसके साथ में विवाह हुआ था। इसका ब्रह्मवर्त पुराण के आधार पर बोल रहा हूं। तो क्या लगी ये क्या लगी? ये मामी लगी। मामी क्यों जी? ऋषिवर दयानंद जी लिखते हैं योगीराज कृष्ण की प्रशंसा करते हुए, क्या लिखते हैं? पहले नेता सुभाष चंद्र बोस जी की एक बात कहता हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना आप। नेता सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि योगीराज कृष्ण का जो वो स्वरूप जो तीर्थों में जो मंदिरों में है, मुझको वो प्रभावित नहीं करता, मुझको योगीराज कृष्ण का वो स्वरूप प्रभावित करता है जो उन्होंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिखाया था, वो स्वरूप मुझको प्रभावित करता है। ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, योगीराज कृष्ण कहते हैं, दयानंद जी कहते हैं कृष्ण की प्रशंसा करते हुए, कृष्ण की चर्चा करते हुए कहते हैं, देखो महाभारत में योगीराज कृष्ण का जीवन अति उत्तम है। उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी बुरा काम नहीं किया। ये तो भागवत के लिखने वाले ने मनमाने दोष लगाए हैं, जिसको पढ़ पढ़ा सुन सुना अन्य मत वाले लोग भी कृष्ण की निंदा करते हैं। यदि ये भागवत का लिखने वाला माँ के गर्भ में ही समाप्त हो जाता तो कृष्ण जैसे योगी की, कृष्ण जैसे नीतिमान ईश्वर भक्त की निंदा ना होती, निंदा ना होती। कैसा था उसका जीवन, कैसा था उसका चरित्र? तो मैं आपको सीधे सीधे लिए चलता हूं। जब राजसूय यज्ञ रचाया जा रहा है, योगी राज कृष्ण ने कंस का नाश किया, कंस ने कह दिया था ईश्वर और धर्म निठल्ले व्यक्तियों का मन बहलाने का साधन है। सीधे सीधे राजगद्दी नहीं मिली, जिसकी लाठी उसकी भैंस अपने बल का प्रयोग करके अपने पिता उग्रसेन को कारावास में डाल दिया था। आप जानते हैं, आप जानते हैं जरासंध कितना क्रूर, शिशुपाल कितना क्रूर राजा था, ये मनमानी कर रहे थे। अगर किसी ने इनको मृत्यु का दंड दिया है तो ये काम मेरे योगी राज कृष्ण ने किया है, ये काम घनश्याम ने किया है। उस राजसूय यज्ञ में एक से बढ़कर के एक राजा विद्यमान था, उस राजसूय यज्ञ में एक से बढ़कर के एक मुनि, एक विद्वान उस राजा उस राज्य सभा में मौजूद था। युधिष्ठिर ने एक बात कही कि एक बात बताओ, मैं सबसे पहले पूजा किसकी करूं? तब पितामह भीष्म खड़े हुए, सारी सभा को निहारते हुए एक स्थान पर उनकी दृष्टि ठहर गई और उस स्थान पर योगीराज कृष्ण बैठे हुए थे। उनकी प्रशंसा, उनकी महिमा का गान करते हुए देखो, पितामह भीष्म जैसा वेद शास्त्र ब्रह्मचारी विद्वान क्या कहता है? वेद वेदांगम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके ही को अन्यो विशिष्टा केशवाद्रिते केशवाद्रिते, कि ये जो योगीराज कृष्ण है ना, ये वेद वेदांगों के जाता है, ये दानवीर हैं, ये पराक्रमी हैं, पहले इनकी पूजा करो, पहले इनकी पूजा करो। ये चरित्र था योगीराज कृष्ण का महाभारत के अंदर। जो शस्त्र जो नीति कृष्ण के पास में थी, वो नीति और वो शस्त्र किसी के पास में नहीं थे, पर हमने तो उसको बदनाम करने की जिम्मेदारी ले ली, हमने तो उसको बदनाम करने में ही भक्ति समझ ली कि मनियारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कहाँ गिनती कर दी इतने बड़े विद्वान और योगी व्यक्ति की। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, धर्म एव हतो हन्ति बिना साये च दुष्कृताम, जीवन का लक्ष्य था कृष्ण का। बहुत सुंदर पंक्तियां मुझको याद आती हैं कि धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागेर था, कृष्ण भारत वर्ष
जागी हुई तक दीर था, दर में दर्शन संस्कृति के वो अमर जागेर था, दर में दर्शन संस्कृति के वो अमर जागेर था। कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए, कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए, सत्य कहता हूँ कन्हैया न्याय की सम सिर था, धर्म दर्शन संस्कृति के वो अमर जागीर था। दौड़ नंगे पग सुदामा से मिला दिल खोल कर, दौड़ नंगे पग सुदामा से मिला दिल खोल कर, जंजीर था, घर में दर्शन संस्कृति के वो अमर जागीर था। कृष्ण भारत वर्ष की जागी हुई तकदीर था, घर में दर्शन संस्कृति के वो अमर जागीर था, वो अमर जागीर।